कॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हैरड के ग्रोथ मॉडल की चर्चा करेंगे। हैरड का मॉडल विकसित पूंजीवादी देश के आर्थिक विकास की समस्या से संबंधित है और जैसा कि हम जानते हैं कि पूंजीवादी देशों में कुछ अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं जिनके कारण ये अर्थव्यवस्थाएं जब आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी से विकास करती हैं उस स्थिति में आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशंस की स्थितियां भी देखी जाती हैं। अर्थात जो व्यापार चक्रीय स्थिति है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक विशेषता के रूप में परिणित होती है और इस रूप में एक समस्या ये है कि इन विकसित पूंजीवादी देशों में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं इनको कैसे रोका जा सकता है और अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल तक एक स्थिर विकास की दर से विकसित किया जा सकता है। हैरड मॉडल इसी दिशा में एक प्रयास है और हैरड का ये मॉडल उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक टुवर्ड्स डायनेमिक इकोनॉमिक्स जो 1948 में प्रकाशित हुई थी उसके तीसरे चैप्टर में फंडामेंटल डायनेमिक थ्योरम्स के अंतर्गत उनका ये सिद्धांत एक क्रमबद्ध रूप में हमारे समक्ष आया। यद्यपि इस दिशा में 1949 के उनके एक व्याख्यान में ही प्रारंभ या शुरुआत हो चुकी थी और इस अवधि में इन्होंने अपने तमाम व्याख्यानों के माध्यम से इस विषय को और परिपक्व रूप दिया और अंततः ये एक मॉडल के रूप में हमारे समक्ष आया। तो ये हैरड मॉडल जो है वो उस समृद्धि दर को ढूंढने का प्रयास करता है जिसे प्राप्त करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं सतत विकास की ओर और एक स्थिर समृद्धि की दर से बढ़ सकती हैं और उच्चावचन से मुक्त हो सकती हैं। और यही इसी मॉडल के माध्यम से उन्होंने ये भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण आर्थिक क्रियाओं में इन पूंजीवादी देशों में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ हो। और जैसा कि अन्य मॉडलों या सभी मॉडलों के संदर्भ में ये होता है कि वो कुछ मान्यताओं के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं तो हैरड मॉडल भी कुछ मान्यताओं के आधार पर विकसित किया गया है और ये मान्यताएं सामान्य तौर पर विकसित देशों में जो स्थितियां पाई जाती हैं उन्हीं के आधार पर कार्य की गई हैं। तो यहाँ पर हम पहले हैरड की मान्यताओं से प्रारंभ करते हैं और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें। हैरड का मॉडल जो है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के संदर्भ में कुछ मान्यताएं लेके चलता है। उपभोक्ताओं के संदर्भ में जो हैरड की मान्यता है
वो ये है कि उपभोक्ता जितना उपभोग करना चाहता है और जितना बचत करना चाहता है पूंजीवादी देशों में वो उतना कर सकता है। और इस संदर्भ में दो टर्म प्रयोग हो रहे हैं, एक वास्तविक बचत और दूसरा इच्छित बचत, इंटेंडेड सेविंग इच्छित बचत और एक्चुअल सेविंग वास्तविक बचत। इसी इंटेंडेड सेविंग को हम लोग प्लान्ड सेविंग भी कह सकते हैं कि वो बचत जो वो कोई व्यक्ति करना चाहता है, करने की प्लानिंग करता है, और यदि उतनी बचत वो कर ले जाए तो कहा जाएगा कि जो वो प्लानिंग कर रहा था या जो जितनी बचत वो करना चाहता था उतनी बचत वास्तव में कर ली। तो हैरन की जो मान्यता पूंजीवादी देशों में उपभोक्ताओं के संदर्भ में है वो ये कि उपभोक्ता की वास्तविक बचत और उपभोक्ता की ऐच्छिक बचत दोनों, इच्छित बचत दोनों बराबर हो, जितना वो बचत करना चाहता है उतना बचत करने में वो समर्थ है और वो उतनी बचत करता है, इसलिए एक्चुअल सेविंग और इंटेंडेड सेविंग दोनों बराबर। और यदि जितना कोई उपभोक्ता जो करना चाहता है वो कर ले जाए तब कहा जाएगा कि उपभोक्ता जो है वो संतुलन में है। और इस दृष्टि से हैरन ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता संतुलन में होता है या संतुलन में है, क्योंकि जितनी बचत वो करना चाहता है उतनी बचत करने में वो समर्थ है और उतनी बचत वो कर रहा है। तो जो एजम्पशंस हैं उनके आधार पर ही हैरन मानते हैं कि उपभोक्ता संतुलन में है। यहीं पर बचत के बारे में एक और मान्यता उनकी है, और वो ये है कि बचत जो है किसी समय की बचत उसी समय की आय पर निर्भर होती है और आय का एक निश्चित अंश होती है, एक निश्चित अनुपात होती है। और इस रूप में हैरन ये मानते हैं कि अगर ये इनकम है, बचत है यस, और ये टी समय की है, तो ये इसी समय की आय पर निर्भर होगी और इसका एक अनुपात होगी, ये स्मॉल यस है और ये कैपिटल यस है। कैपिटल यस जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग है, ये बचत की कुल मात्रा है, और ये जो है एस जो है ये सेविंग और इनकम का अनुपात है, जिसको हम बचत प्रवृत्ति कह सकते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव कह सकते हैं, या औसत बचत प्रवृत्ति कह सकते हैं। तो ये बचत आय अनुपात है और ये बचत है और ये उसी समय की आय है, ये उस समय की बचत है, और ये यस जो है ये वो है अनुपात है जिस अनुपात में लोग बचत करते हैं, और ये स्थिर है, इसका मतलब एस जो है वो कांस्टेंट है। और अगर यस कांस्टेंट है और आय भी निश्चित है और बचत उसका एक अंश है तो बचत भी निश्चित है, अर्थात किसी समय में जो आय है उसका एक अंश बचत होगी, क्योंकि आय ज्ञात है, इस नाते बचत भी ज्ञात की जाए बचत भी ज्ञात होगी, ये ज्ञात फैक्टर्स हैं और ये सब स्थिर है। और इस रूप में हैरन मानते हैं कि उपभोक्ता की वास्तविक बचत जो है और जो इच्छित बचत है वो दोनों बराबर होती हैं, और इनको हम एस टी लिख सकते हैं, और जो आय का एक निश्चित अंक। अब दूसरी जो मान्यता है वो उपभोक्ताओं के उत्पादकों के संदर्भ में है, उत्पादकों के संदर्भ में ये कहा जाएगा कि उत्पादक का जो कार्य है वो निवेश करना है, उत्पादन प्रक्रिया में लगाना है पूंजी को, और उत्पादक संतुलन में कब होंगे, जब उत्पादक का जितना निवेश करना चाहते हैं उतना निवेश कर ले जाए, अर्थात एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। लेकिन हैरन ये मानते हैं कि निवेश के संदर्भ में ऐसा नहीं होता, और वास्तविक निवेश और इच्छित निवेश में
असमानता हो सकती है, दोनों बराबर नहीं हो सकते, और इसलिए वहाँ पर उत्पादक जो है या निवेशक जो है वो संतुलन में तब नहीं होगा जब वास्तविक निवेश और इच्छित निवेश में अंतर। और वो कहते हैं कि वो अंतर होता है। यहीं पर एक बात और हैरेट स्वीकार करते हैं कि वास्तविक जो निवेश होता है वो बचत के माध्यम से होता है, अर्थात बचतों से ही होता है, इसलिए वास्तविक निवेश उतना ही होगा जितनी वास्तविक बचत होगी। और वास्तविक बचत जो है वो SYT है, जैसा अभी हमने लिखा था, वही इच्छित बचत भी है, वही वास्तविक बचत भी है। इसका मतलब है कि जितनी बचत है उतना ही निवेश होगा, इसलिए एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि ये जो एक्चुअल सेविंग है ये इक्वल टू इंटेंडेड सेविंग है, और इस नाते उपभोक्ता जो है संतुलन में है। अब दूसरा है कि जो एक्चुअल सेविंग है ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, लेकिन ये जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है इज नॉट इक्वल टू इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। तो जो वास्तविक निवेश है वो इच्छित निवेश के बराबर नहीं हो सकता या नहीं होता, या ऐसा होने की प्रवृत्ति नहीं होती, ये निश्चित नहीं है कि दोनों बराबर होते हैं, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो उत्पादक संतुलन में नहीं। तो अब सवाल ये है कि इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट कितना होना है या कितना होगा। तो हैरेट कहते हैं ये इस पर निर्भर करेगा कि कितनी आय में वृद्धि निवेशक करना चाहते हैं या कितनी आय में वृद्धि होनी है, और अगर आय में इतनी कितनी वृद्धि होनी है ये पता चल जाए तो हम देखेंगे कि उतना के लिए या उतना उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको कितने निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, और तब हम कह सकते हैं कि इतना निवेश अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। और इस रूप में जो आय वृद्धि है वो ये कहते हैं कि एक साल पिछले साल और इस साल की आय का जो अंतर है वो कितना है, अर्थात YT - YT - 1 कितना है, अर्थात पिछले साल और इस साल के बीच में आय का वृद्धि कितनी हुई है, जितनी वृद्धि हुई है उसके लिए कितने निवेश की आवश्यकता है। और ये पता करने के लिए हैरेट एक और टर्म का प्रयोग करते हैं, और ये है कैपिटल आउट रेशियो। यह है पूंजी उत्पादन अनुपात, जिसका मतलब ये होता है कि जब हम अर्थव्यवस्था में उत्पादन करना चाहते हैं तो औसतन, क्योंकि उत्पादन तो तमाम वस्तुओं का होगा, औसतन एक इकाई उत्पादित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि पूंजी जो है स्थिर रूप में एक बार लगाई जाती है और इसकी एक लाइफ होती है, तो अपने जीवन अवधि में ये प्रतिवर्ष उत्पादन करती है, लेकिन प्रतिवर्ष जो उत्पादन करेगी वो उसके कुल पूंजी स्टॉक या जो पूंजी निवेश हुई उसका एक बहुत छोटा सा अंश होगा। तो इसका मतलब है कि जितना एक वर्ष में उत्पादन में वृद्धि होगी उसकी तुलना में उसकी कई गुना पूंजी निवेशित करनी होगी। तो इस रूप में पूंजी उत्पादन पात का मतलब है कि उत्पादन की एक इकाई बनाने के लिए उसकी कितनी गुना पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं कहूँ कि ये स्थिति होगी कि अगर एक इकाई पूंजी हो, ये कैपिटल है, उत्पादन है, आउटपुट है एक, तो एक इकाई अगर आउटपुट हो उसके लिए चार इकाई अर्थात चार गुना पूंजी की जरूरत पड़े तो कैपिटल आउटपुट रेशियो चार होगा। और इस प्रकार हमको जितना उत्पादन करना है उसकी चार गुनी पूंजी की आवश्यकता होगी, ये हमारा इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस प्रकार से, और इस कैपिटल आउटपुट रेशियो को अपने मॉडल में उन्होंने जी से प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट
उतना होगा जो आय वृद्धि और पूंजी की सीमांत जो ये पूंजी उत्पाद अनुपात है उसके गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट को आई टी लिखूँ, तो टी समय का निवेश वो कितना होगा, आय में जितनी वृद्धि हुई अर्थात जो इस साल की आय है जो इसके एक साल पहले की आय है टी माइनस वन, इसमें हम पूंजी उत्पाद अनुपात से गुणा कर दें तो ये होगी हमारी कुल इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा इच्छित निवेश होगा जो अर्थव्यवस्था में इतने उत्पादन वृद्धि को पूरा करने के लिए पूंजी या निवेश के रूप में हमारे समक्ष आएगा। तो ये आय वृद्धि है और ये पूंजी उत्पाद अनुपात है, दोनों का जो गुणनफल होगा इतना निवेश किया जाना चाहिए या निवेशक इतना उत्पादन करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो ये इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट हुआ। अब वो कहते हैं कि उत्पादक संतुलन में तब होगा जब इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर, और उन्होंने बताया है जो सेविंग होती है वही एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल सेविंग के बराबर हो, और इसलिए अगर उत्पादन संतुलन में हो तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगा ये एस वाई टी, यही एक्चुअल सेविंग है, और एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं हैरेट की मान्यता के अनुसार, इस नाते ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है और ये इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट है, और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट को यदि हम इसके बराबर कर दें तो वाई टी माइनस वन ये जो है ये उत्पादक के संतुलन की स्थिति होगी जिसमें वास्तविक निवेश और इच्छित निवेश दोनों बराबर, और जब दोनों बराबर होंगे तो उत्पादक संतुलन में है और उपभोक्ता पहले से संतुलन में, क्योंकि वास्तविक बचत और वास्तविक वो इच्छित बचत दोनों बराबर हैं, और अब यहाँ वास्तविक बचत बराबर वास्तविक निवेश बराबर इच्छित निवेश ये बराबर हो गया, और इस स्थिति में ये संतुलन या संस्थिति स्थिति होगी, और इस स्थिति के आधार पर एक और निष्कर्ष आपके समक्ष निकलेगा। अगर हम इस जी को इस पार ले आए तो देखिए ये हो जाएगा एस अपान जी, और अगर इस वाई टी को उस पार ले जाए तो देखिए ये हो जाएगा वाई टी माइनस वन, और ये गुणा कर रहा है इधर आके भाग दे देगा, और ये जो इस वर्ष की आय है एक साल पहले की आय है, इस नाते ऊपर ये आय की वृद्धि है, और उसमें अगर इस साल की आय से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा वृद्धि की दर, और आय वृद्धि की जो दर है वो इसके बराबर होगी जैसा पान जी के बराबर, और ऐसी स्थिति जब होगी तब उत्पादक भी संस्थित में होगा उपभोक्ता भी संस्थित में होगा, और इस रूप में कहा जाएगा दोनों संतुष्ट होंगे अपने अपने क्रियाओं से, और ऐसी स्थिति में जो विकास की दर होगी इस विकास की दर पर क्योंकि दोनों संतुष्ट हैं इसलिए यही समृद्धि की दर अर्थव्यवस्था में बनी रहेगी जब तक समृद्धि की दर एस अपान जी के बराबर हो। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि एस कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, जो पूंजी उत्पाद अनुपात है वो भी स्थिर है हैरेट ऐसा मान रहे हैं, और जो बचत अनुपात है वो भी स्थिर है, और जब एस और जी दोनों स्थिर हैं तो एस बटा जी जो संस्थित में विकास या समृद्धि की दर को प्रदर्शित कर रहा है वो भी स्थिर होगा, अर्थात अर्थव्यवस्था संतुलन में एक स्थिर विकास की दर से आगे बढ़ेगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये एस जो है ये 20% हो और ये जो जी है वो 4 हो तो समृद्धि की जो दर एस अपान जी होगी ये होगी 20% और बटा 4, और ये इसका मतलब ये 5% ये कांस्टेंट दर होगी, और अर्थव्यवस्था अगर यस 20% हो और जी बराबर 4 हो तो वैसे स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो समृद्धि की दर होगी संस्थित में वो 5% होगी, और अर्थव्यवस्था इसी दर से निरंतर बढ़ती रहेगी यदि अर्थव्यवस्था में ये संस्थिति बनाई रखी जा सके। तो इस प्रकार से हैरेट ने
अपनी इन दो मान्यताओं जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के से संबंधित है उनके आधार पर ये दिखाया कि संतुलन में वास्तविक बचत वास्तविक निवेश के बराबर हो और वास्तविक निवेश इच्छित निवेश के बराबर हो, और क्योंकि वास्तविक बचत और इच्छित बचत पहले से ही बराबर हैं और यदि ये चारों बराबर हो जाएं तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति होगी और वैसी स्थिति में जो समृद्धि या ग्रोथ रेट होगी वो एस अपान जी के बराबर होगी, और क्योंकि एस और जी दोनों स्थिर हैं इस नाते ये समृद्धि दर भी स्थिर होगी, और अगर अर्थव्यवस्था संस्थित में बनी रहे तो इसी दर से निरंतर समृद्धि होती रहेगी और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं आएगी। तो ये स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ है, एक ऐसी ग्रोथ रेट है जो निरंतर एक स्थिर दर से बढ़ती रहेगी। तो ये हैरट मॉडल का निष्कर्ष है। अब इस समृद्धि दर को हैरट जो है कहते हैं ये वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, ये समृद्धि की वो दर है जो उत्पादक और उपभोक्ता प्राप्त करना चाह रहे थे वो मिल गई है, तो इस नाते हम इसको अभीष्ट दर कह सकते हैं। तो ये समृद्धि की अभीष्ट दर है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो शब्द विकास के संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं और उनके अंतर कहीं आप पढ़ लेते हैं और उनकी हिंदी भी दो होनी चाहिए, इस नाते पारंपरिक तौर पर हम लोग डेवलपमेंट को विकास लिखते हैं और समृद्धि लिखते हैं ग्रोथ को। जनरली ग्रोथ का संबंध कहा जाता है विकसित देशों से है और विकास का संदर्भ विकासशील या अल्पविकसित देशों से है, तो उस संदर्भ में क्योंकि ये मॉडल विकास विकसित देशों से या से संबंधित है और इस नाते हम इसको समृद्धि मॉडल कह रहे हैं। तो ये समृद्धि की अभीष्ट दर है जिसको वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं हिंदी में, और कई नामों से वांछित दर आवश्यक दर इस तरह से मिल सकता है, लेकिन हमें लगता है ये अभीष्ट दर के रूप में इसे हिंदी में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये विकास की अभीष्ट दर है और इसी दर को हम लोग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ है हैरट मॉडल में। हैरट मॉडल में संस्थित की दर है ये, इसी संस्थित दर को हम वो विकास की अभीष्ट दर कहता है। अभीष्ट इसलिए कहता है क्योंकि ये दर प्राप्त करना चाहता है उत्पादक, और इस दर के प्राप्त होने से जो जिस दर को प्राप्त करना चाहता तो वो प्राप्त हो गई, इस नाते वो इसकी अभीष्ट है। अभीष्ट का अर्थ ही होता कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए, तो ये अभीष्ट दर है। और अब हैरट कहता है कि जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक दर है वही जब प्राप्त हो जाती है, मतलब ये अभीष्ट दर जब हमें प्राप्त हो जाती है तो यही वास्तविक दर भी हो जाती है, लेकिन वास्तविक दर और अभीष्ट दर तभी बराबर होगी जब अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में बनी रहे, और लेकिन यदि अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम से विचलित हो कारण जो भी हो वैसी स्थिति में वास्तविक दर और अभीष्ट दर में अंतर होगा, और वो कहता है कि जब ये अंतर होता है तभी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उच्चावचन या उतार चढ़ाव आते हैं। और अब वो इसे दिखाने का प्रयास करता है, जब हम वास्तविक दर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में बचत की दर क्या है, अर्थव्यवस्था में वास्तव में पूंजी उत्पादन अनुपात क्या है, हो सकता है अभीष्ट इससे इतर हो, तो यदि अभीष्ट उतने हो जितना वास्तविक है तो दोनों दरें बराबर हो जाएंगे, संतुलन हो जाएगा, लेकिन अगर इनमें अंतर है तो हम कहेंगे अभीष्ट दर और वास्तविक दर में अंतर है, और अगर ये अंतर होगा तो हैरट कहता है कि अर्थव्यवस्था में उच्चावचन आए। और इसकी व्याख्या के लिए आप इस रूप में इसको देख सकते हैं कि यदि हम ये माने कि मान लीजिए ये विकास की हमारी दर है yt-1/yt और ये हमारी अभीष्ट दर है s/g, ये बराबर होती है
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वास्तविक दर जो है वो अभीष्ट दर से कम है, और अगर कम है तो कुछ कम होगी कुछ मात्रा, जितनी मात्रा कम है तो अब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये कम है और ये ज्यादा है। लेकिन अगर बराबर करनी है तो जितनी ज्यादा है उतना हम घटा दें अगर तो दोनों बराबर हो जाएंगी, और अगर हम ये कहें कि जो अभीष्ट दर है वो एक धनात्मक राशि में ज़्यादा है उतना उतना घटा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस धनात्मक राशि को अगर हम सी लिखें तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें से सी घटा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि विकास की वास्तविक दर कम है अभीष्ट दर से, और जितनी कम है वो राशि सी है, और अगर अभीष्ट दर से उस राशि को हम घटा दें तो अभीष्ट दर और वास्तविक दर दोनों बराबर हो जाएगी, और वो इस रूप में हमारे समक्ष आए। और अब देखें अगर हम चाहें इसको, ये केवल आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और आप इसको संक्षेप में भी लिख सकते हैं, और जब ये करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एस माइनस सी इंटू जी बटा जी, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो जी से यहाँ गुणा करेंगे ऐसे लिखेंगे, और इधर क्या हो गया yt माइनस वन अपान yt। और अब इस माइनस cg को इस पार ला दें और इस g को इस पार ला दें तो g गुणा करेगा और ये धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा yt माइनस वन, इसमें हो जाएगा g का गुणा और इसमें cg आके जुड़ जाएगा, और अगर इस y को उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये समीकरण ये रूप ले ले, और जब ये रूप लेगा तो इसमें जो निष्कर्ष क्या निकला ये देखिए yt माइनस वन इंटू जी, ये जो है विकास की ये जो अभीष्ट दर है, और जितना अभीष्ट निवेश है ये, और इधर वाला जो है ये वास्तविक निवेश है, क्योंकि जो syt जो वास्तविक बचत है वही अभीष्ट निवेश भी होगा, तो ये अभीष्ट निवेश है, सॉरी ये वास्तविक निवेश है और ये अभीष्ट निवेश है, और हम देख रहे हैं कि वास्तविक निवेश जो है वो उसकी तुलना में ये जो ये है इतना ज्यादा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो वास्तविक निवेश है ये जब इसमें इतना जोड़ते हैं तब जाके ये इसके बराबर होता है, इसका मतलब है कि जो अभीष्ट निवेश है वो कम है और जो वास्तविक निवेश है वो ज्यादा है। तो ये जो है अभीष्ट निवेश, हिंदी में ही लिखते हैं हम लोग, ये अभीष्ट निवेश ये जो है कम है, क्योंकि जब उसमें इतना जोड़ते हैं तब इसके बराबर होता है, और ये जो है वास्तविक निवेश ज्यादा है, वास्तविक निवेश अधिक है। और पहले हम यहां पहुंचे थे वहां ये कह रहे थे कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो अभीष्ट दर है इनकी अभीष्ट दर अधिक है वास्तविक दर से। कहने का अर्थ यह है कि जब ऐसा होगा कि अभीष्ट दर वास्तविक दर से अधिक होगी उस स्थिति में अभीष्ट निवेश वास्तविक निवेश से कम होगा। तो जब ऐसा होगा इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में जितना निवेश होना चाहिए था वो ये उसकी तुलना में इतना निवेश जो है कम हो रहा है, क्योंकि इसमें इतना जोड़ने पर ये अभीष्ट निवेश है और ये अधिक होना चाहिए, इतना और जोड़ना चाहिए तब इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि अभीष्ट निवेश कम है और वास्तविक निवेश ज़्यादा हो गया। तो यहीं पर हैरट ये कहते हैं कि इस स्थिति में क्योंकि अभीष्ट निवेश कम है और वास्तविक निवेश ज़्यादा है इसलिए अति उत्पादन या ओवर प्रोडक्शन की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जितना निवेश होना चाहिए था उससे निवेश ज़्यादा हो गया है, और ऐसे स्थिति में
उद्यमियों में निराशा की स्थिति होगी और वो निवेश को घटाने का प्रयास करेंगे, और जब ऐसा वो करेंगे निवेश घटाएंगे तो आय भी घटेगी, अर्थात आय और घटेगी, और जब आय घटेगी तो देखिए अभी से दर पहले से ही वास्तविक दर से ज़्यादा थी, और अब जब आय और घट जाएगी तो ये अंतर और बढ़ जाएगा, और ये अंतर और बढ़ जाएगा तो ये स्थिति और बढ़ेगी, इसका मतलब वास्तविक निवेश अभी से निवेश से पहले की तुलना में और ज़्यादा हो जाएगा। तो और ये एक संचयी प्रक्रिया प्रारंभ होगी जिसमें निवेश घटेंगे और निवेश घटेंगे, उत्पादन घटेंगे, फिर निवेश घटेंगे, फिर उत्पादन घटेंगे, और अर्थव्यवस्था निरंतर संकुचित होती जाएगी, अर्थव्यवस्था में निरंतर जो आय की आय है वो घटना शुरू हो जाएगी, और एक तरह से कहा जाएगा अर्थव्यवस्था मंदी की ओर प्रस्थान करेगी, और ये निरंतर ऐसा चलता रहेगा। तो हैरेट ये कहते हैं यदि एक बार अर्थव्यवस्था में विचलन होता है संस्थित दर से और वास्तविक दर जो है अभीष्ट दर से अगर कम हुई, वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थितियाँ उत्पन्न होगी, और ये मंदी की स्थितियाँ निरंतर अर्थव्यवस्था को संस्थित दर से निरंतर दूर ले जाएंगे। तो ये मंदी की ओर जाने की स्थिति है, और जो जिसके जो हैरेट अपने मॉडल में इस रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, और इसी तरह वो कहते हैं इसका उल्टा जब विपरीत होगा जिसमें वास्तविक दरें अभीष्ट दरों से ज्यादा हो जाएं, और तब इसकी प्रतिकूल स्थिति हो जाएगी, अब की बार अभीष्ट दर कम होगी और वास्तविक दर अधिक होगी, तो अब की बार अभीष्ट दर कम है किससे, वास्तविक दर से, और यहाँ पर अब ऐसा जब होगा तो अभीष्ट निवेश अधिक हो जाएगा वास्तविक निवेश, अर्थात वास्तविक निवेश कम है, जितना निवेश किया जाना चाहिए था उससे कम निवेश हो रहा है, और ऐसी स्थिति में उत्पादक जो हैं वो अब आसान्वित होंगे, ऑप्टिमिज्म उसके अंदर आएगा, और वो अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे, और जब वो अधिक निवेश करेंगे तो आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तो यहाँ देखिए आय वास्तविक दर और अभीष्ट दर में पहले ही अंतर था, अभीष्ट दर पहले से ही कम थी, और जब वास्तविक दर और तेजी से बढ़ेगी तो ये अंतर और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब जितना ही अंतर ज़्यादा बढ़ेगा वो अंतर यहाँ उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और इस रूप में अर्थव्यवस्था में निरंतर निवेश बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, और ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस में एक संचयी प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर आर्थिक क्रियाओं में तेजी आएगी, और अर्थव्यवस्था जो है ये रिकवरी बूम की ओर, अर्थव्यवस्था जो है समृद्धि की ओर बढ़ना प्रारंभ करेगी, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। तो पहले में जब ये विचलन होता था अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर होती थी, अब की बार अर्थव्यवस्था जो है वो समृद्धि की ओर अग्रसर होगी, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आर्थिक संतुलन से विचलन होगा, और ये विचलन जब होगा तो हैरेट कहते हैं कि अर्थव्यवस्था संस्थित से निरंतर दूर जाएगी, एक स्थिति में मंदी की ओर और दूसरी जो है तेजी की ओर, ये स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, और यही जो है संस्थित से विचलन का कारण बनेगा। अब यहीं पर हैरेट विकास की एक और दर की बात करते हैं, और ये है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। इसको कहते हैं विकास की प्राकृतिक, हैरेट कहते हैं ये विकास की प्राकृतिक दर जो है ये विकास की उच्चतम सीमा को प्रदर्शित करती है, अर्थात उसके आगे अब विकास या संभव नहीं, और ये वृद्धि दर जो है वो तीन कारणों या तीन कारकों से सीमित होती है। एक होती है लेबर श्रम शक्ति जो जनसंख्या पर निर्भर करती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ये है श्रम की उपलब्धता, और दूसरी है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज या इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो इस पर जो है आर्थिक विकास की उच्चतम सीमा निर्धारित होती है, क्यों, क्योंकि श्रम की जो मात्रा है या जो श्रम की गुणवत्ता है उसकी एक सीमा है, तो वो कितनी है, साधनों क्या, श्रम का पूरा
आप विदोहन कर कर में या जितने भी नेचुरल प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध अर्थव्यवस्था में उनकी पूर्ण क्षमता से आप उनका उपयोग कर लें और टेक्नोलॉजी में जितनी प्रगति कर सकते हैं उतनी कर लें। अगर ये सीमा आ जाए तो अब उत्पादकता को, उत्पादन को आर्थिक उसके आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, और ये सीमा जो आ जाती है तो कहते हैं ये जो विकास की दर होगी जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी उसे हेरल्ड कहता है ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है, जो विकास की अधिकतम या उच्चतम सीमा है, उत्पादन क्षमता की उच्चतम सीमा है, इसके आगे उत्पादन संभव नहीं है। तो उस स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो विकास होगा वो इस प्राकृतिक सीमा से सीमित होगा। और ऐसी स्थिति में देखिए ये स्थिति है कि अगर ये समृद्धि की दर है ये इक्विलिब्रियम की स्थिति है, और अगर ये विकास की उच्चतम सीमा है ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है। अगर डेविएट करेगी अर्थव्यवस्था और इस स्थिति में जैसे कि तेजी की ओर बढ़ेगी तो ये बढ़ते 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 एक बार यहाँ जाके पहुँचेगी। अब कहते हैं कि क्योंकि उच्चतम सीमा है इसके आगे अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास या आय को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर इसी गति से बढ़ना है तो इसका मतलब है कि जो हमारा वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए एक्चुअल रेट से। इसका मतलब कि इस बिंदु पर पहुँचने के बाद उसी दर से बढ़ने के लिए हमको वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, और जबकि वास्तविक दर जो है वो कम है, क्योंकि वास्तविक दर अब इससे आगे बढ़ नहीं सकती, घटेगी तो नीचे ही घटेगी और उस पर रुक भी नहीं सकती। हेरल्ड कहते हैं कि प्राकृतिक दर पर अर्थव्यवस्था को रोका नहीं जा सकता, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, तो बढ़ सकती नहीं क्योंकि सीमा समाप्त है, तो अंततः वो अर्थव्यवस्था नीचे घटेगी, और घटेगी इसलिए भी क्योंकि वास्तविक जो आय की वृद्धि दर है वो कम है और जो वांछित वृद्धि की दर है वो ज़्यादा है। और इस स्थिति में जैसा हम पहले देख चुके हैं कि जब वास्तविक दर कम होती है तो अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर होती है और यहीं से अर्थव्यवस्था फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, और इस नाते ये उतार चढ़ाव की अंतिम सीमा इस रूप में हो जाएगी। और दूसरी ओर एक न्यूनतम सीमा होगी, हेरल्ड कहते हैं न्यूनतम सीमा वो होगी क्योंकि जब हम मंदी की स्थितियों में होते हैं और उत्पादन को घटाते हैं तो जो हमारी परिवर्तनीय पूंजी वो तो निकाल सकते हैं लेकिन स्थिर पूंजी उस प्रक्रिया में लगी रहती है, वो शून्य कभी नहीं होती, और इस नाते एक सीमा के नीचे उत्पादन नहीं गिरता। और दूसरे जो उत्पादन साधनों की अवेलेबिलिटी है अर्थव्यवस्था में उसका ज्ञान उद्यमियों को है, बाजार का ज्ञान उद्यमियों को है, और वैसे स्थिति में उनके भीतर एक कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के अंतर्गत उत्पादन को एक सीमा से नीचे गिरने नहीं देते, और इस नाते मंदी की स्थितियाँ जब नीचे यहाँ से बिजली छोड़ जाती हैं तो एक सीमा के बाद ये भी फिर ऊपर उठती हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। हेरल्ड अपने इस मॉडल से